और हमारी ये यूनिट रहती है तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी वीडियोस बन पाई इस टाइम में क्योंकि टाइम लगता है पहले नोट्स लिखने होते हैं कोई तो वेरियस सोर्सेज से फिर उसकी वीडियो बनाकर एडिट करने में टाइम तो लगता है बट मैं कोशिश करूंगी जितनी वीडियोस बन पाई उतनी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी ठीक है तो इसी तरह से वीडियोज को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए सो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की सो जहां पर शब्द आ जाता है कग्निटिव ठीक है सो so, कॉग्निटिव मतलब जो रिलेट है आपके माइंड से आपके ब्रेन से सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन नॉट इन साइज ऑब्वियसली बट द फंक्शंस ऑफ माइंड और ब्रेन ठीक है कि जिस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है उसकी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम द इन्फेंसी टू अडल्टुड दिस इज नॉन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट सो कग्नेटिव डेवलपमेंट इज द चेंजिंग प्रोसेस ऑफ थॉट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एज द चाइल्ड डेवलप्स फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टुड व्हिच मीन्स कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो चेंजिंग प्रोसेस है किसका हमारे थॉट्स का हमारी लर्निंग का हमारे अंडरस्टैंडिंग का, का जो इन्फेंसी से शुरू हो रहा है इन्फेंसी मतलब जब से बच्चे ने जन्म लिया तब से लेकर जब तक हम एडल्टुड में एंटर कर गए। सो so, वो जो हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं जब से बच्चा जन्म ले रहा है उसके थॉट्स नहीं थे जैसे जैसे वो ग्रो होता गया उसके थॉट्स डेवलप होते गए उसने लर्निंग सीखी उसकी लर्निंग डेवलप हुई और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं कग्निटिव डेवलपमेंट एंड ऑल्सो कग्निटिव डेवलपमेंट इज एक्विशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम एक्वायर करते हैं एबिलिटी को थिंकिंग की एबिलिटी को एक्वायर किया जाता है रीजनिंग को एक्वायर करते हैं बच्चा रीजनिंग लगाना सीखता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है सो so ये सब तभी होता है जब बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो ठीक है एंड आल्सो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल्स थिंकिंग चेंजेस थिंकिंग चेंज होती है अक्रॉस द लाइफ स्पैन जब तक उसकी लाइफ है तब तक थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो चेंज होता रहता है सो दिस इज कग्नेटिव डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कग्नेटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलसन टू एडल्टुड विच मीन्स की जो कग्नेटिव डेवलपमेंट है उसमें अपने थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं ये थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस है जिसमें रिम्बरिंग आता है हम याद रखते हैं जो हुआ है ठीक है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद डिसीज़न भी लेता है कि उसका डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो भी डेवलप होता है फ्रॉम चाइल्डहुड जब से बच्चा चाइल्डहुड में होता है चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस में जाता है और एडोलेसेंस के बाद अडल्टुड में जाता है सो इन स्टेजेस में जो उसकी कग्निशन की डेवलपमेंट हो रही है जो उसके माइंड की डेवलपमेंट हो रही है इसमें थिंकिंग आ गई प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई ठीक है डिसीजन मेकिंग आ गई वो होती है कग्नीटिव डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन मेमोरी हमारी मेमोरी डेवलपमेंट हो रही है साथ में लैंग्वेज ये भी याद रखना कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही है वो भी कग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है एंड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निशन एंड सोशल कग्नीशन कॉग्निशन का मतलब होता है कि हम अपने ही थॉट्स को अंडरस्टैंड कर सकें ठीक है दैट इज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस दैट इज कॉग्निशन और सोशल कॉग्निशन एक सोशल प्रोसेस है जिस इज लर्निंग या फिर मेमोरी हम किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट पर दें दैट इज़ सोशल कग्निनेशन और मेटा मैटाग्नेशन होता है कि हम अपने ही बारे में जो थॉट प्रोसेस है हमारा दैट इज मेटा मैटाकगनीशन तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कनेटिव डेवलपमेंट है क्या कि हमारे थॉट्स जो चेंज हो रहे हैं हमारी लर्निंग चेंज हो रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है हम याद रख पा रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं डिसीजन को बना रहे हैं लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही है सो so ये सब आता है कनेटिव डेवलपमेंट के अंडर अब देखते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कग्निटिव डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस दैट इज़ इन्फेंसी चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस तो यहाँ पर मैंने एक टेबल में ही लिख दिया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी बट आपको अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको अलग अलग करके लिखना और इन और इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करनी है एक या दो लाइन्स में ठीक है क्योंकि अगर सिक्सटीन मार्क्स का आया तो आप इतना सा नहीं लिखोगे आपको इसको डिफाइन करके एलैबोरेट करके लिखना है सो so, पहले बात करते हैं हम इन्फेंसी की ठीक है जो इन्फेंसी में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे की वो फास्ट होती है बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करता है जैसे आ बा माँ पा इस तरह के बच्चा शब्द बोलना शुरू करता है जबकि जो पहले के कुछ मंथ्स थे उसके जब से बच्चे ने जन्म लिया यानी कि जीरो टू सिक्स मंथ जो होते हैं उसमें बच्चा रो अपने इमोशंस को दिखाता है ठीक है और उसके बाद उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो तीन शब्द बोलता है बच्चा ठीक है तीन वर्ड्स उसको बोलने आते हैं और एट द एंड ऑफ टू ईयर्स बच्चे की वोकैबुलरी और बढ़ जाती है वो टू सेवेंटी टू जो वर्ड्स हैं वो बोलता है और एट द एंड ऑफ ईयर्स बच्चा सीख जाता है टू थाउजेंड सेवेंटी टू वर्ड ठीक है तो आप इसको भी यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हो सेकेंड पॉइंट इज द डे ड्रीमिंग बच्चा डे ड्रीमिंग करता है जैसे बोलते हैं ना दिन में सपने सो दैट्स द पॉइंट कि डे ड्रीमिंग मतलब बच्चा सोचता रहता है कि ये क्या है ठीक है एंड फेरी टेल्स बच्चों को फेरी टेल्स में बिलीव होता है फैंटसीज होती हैं उसके अलग अलग कि जो इमेजिनरी वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है कि इमेजिनेशन ही सब कुछ है उसके जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं वो सब इमेजिनरी वर्ल्ड के अराउंड ही घूमते रहते हैं नेक्स्ट वन इज क्यूरियस बच्चा क्यूरियस होता है जैसे आपने देखा भी होगा जो छोटा बच्चा तो वो क्वेश्चन पूछता है कि मम्मा ये क्या है ये क्या है ठीक है सभी से वो पूछता है नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसरी डेवलपमेंट बच्चों की जो सेंसेस हैं उनकी भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है बच्चे बहुत सारी इमोशंस जो है वो सारी सेंसेशन जो है उनको फील करते हैं जैसे पेन हार्डनेस प्लेजर सेंसेशन ऑफ साउंड और स्मेल वगैरह ठीक है नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट और थाट्स बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होते हैं उनके थॉट्स डेवलपमेंट होते हैं जिससे बच्चा डिस्टेंस को जज करना सीख जाता है सो so, बच्चे के कॉन्सेप्ट और थॉट्स भी डेवलप होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्डहुड स्टेज की सो so, इसमें बच्चे के बुकेबलरी जो है वो रिच हो जाता है बच्चा बुकेबलरी में उसके बुकेबलरी में बहुत सारे शब्द ऐड हो जाते हैं बुकेबलरी में मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी यहाँ पर भी हो रही है नेक्स्ट इज क्यूरियस बच्चा इस स्टेज में भी क्यूरियस होता है वो जानने की कोशिश करता है कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर बच्चे की जो थिंकिंग पावर है वो भी डेवलप होती है बच्चा रीजनिंग लगाना सीखता है वो रिकॉल कर पाता है थिंग्स को ठीक है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होती है और जो इनफेंसी थी उसमें बच्चा इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहा था बट ये जो स्टेज है चाइल्डहुड हुड इसमें बच्चा वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में रहना चाहता है उसको पता है कि रियलिटी है और जो रियलिटी है वही रियल है इमेजिनरी वर्ल्ड कुछ भी नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्ट बच्चों के कॉन्सेप्ट और जो इंटरेस्ट हैं वो डेवलप हो रही हैं कॉन्सेप्ट जैसे आइडिया ऑफ लेंथ या फिर डिस्टेंस भी बच्चा लगा पाता है और इंटरेस्ट मतलब कि उसके जो इंटरेस्ट है ना वो एक्सपैंड होते हैं बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में भी हो सकता है ट्रैवलिंग में भी हो सकता है एडवेंचर ठीक है वो अलग अलग बुक्स भी पढ़ना चाहता है सो so, उसके इंटरेस्ट भी वाइडन हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ परसेप्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट जो बच्चा परसेप्शन लगा रहा था पहले से अब वो परसेप्शन जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो गई है ठीक है सो दिस इज सेकेंड अब बात करते हैं एडोलेसेंस की एज यानी कि टीन एज जो होती है बच्चों की उसमें क्या क्या क्निटिव डेवलपमेंट होती है सो so, जो थिंकिंग है बच्चों की वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अमूर्त हिंदी में हम अमूर्त बोलते हैं कि बच्चा उन चीजों को भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी वही होती है नेक्स्ट इज कैपेसिटीज टू रीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा रीजनिंग लगाना सीख जाता है कि उसके सामने ये हो रहा है उसका ये रीज़न है और जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने दी जाती हैं उसको सॉल्व करने के लिए तो बच्चा उनको भी सॉल्व कर पाता है दैट इज़ द कैपेसिटी टू रीज़न और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट पॉइंट इज थॉट्स आर प्राइवेट तो बच्चों के जो थॉट्स होते हैं इस स्टेज में वो प्राइवेट होते हैं वो अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो दूसरा है वो नहीं जान पाए कि हम क्या सोच रहे हैं इस स्टेज में बच्चों का ये थॉट प्रोसेस होता है नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जोमेट्री स्पेस टाइम नंबर ऑर्डर ये भी सब डेवलप होते हैं इस स्टेज में साथ में लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो तो हो ही रही है सो so, ये थे कुछ करैक्टरिस्टिक्स जिनको अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आपको डिटेल में इन सभी को अलग अलग करके लिखना है चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं कग्निएटिव डेवलपमेंट को सो so, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं एक है इन्वायमेंटल फैक्टर ठीक है जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं और एक होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स सो इन दोनों के बारे में हम डिटेल बात करेंगे पहले देखते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं सो फर्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज फैमिली ठीक है सेकेंड वन इज सोसाइटी सो so, जो फैमिली है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के कनेटिव डेवलपमेंट में क्योंकि बच्चा अपनी फैमिली के ही इर्द गिर्द रहता है सबसे पहले ठीक है so, सो जो उसकी फैमिली सिखाएगी बच्चा वही सीखेगा तो जो फैमिली का जो इन्वायरमेंट है अगर वो उस तरह का होगा कि उसमें बच्चे को एनकरेज किया जा रहा है लर्निंग के लिए बच्चे को सिखाया जा रहा है तो बच्चे की कग्नेटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी सेम बात आ गई सोसाइटी की अगर सोसाइटी अच्छी है सोसाइटी एनकरेज कर रही है बच्चे को लर्न करने के लिए तो बच्चे की जो कग्नटिव डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कि बच्चे को जितनी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी जितने मौके दिए जाएंगे सीखने के वो उतना सीख पाएगा ठीक है वो उतना अंडरस्टैंड कर पाएगा उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी सो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल सो जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि मोर अपॉर्चुनिटीज बैटर इज फोर्थ पॉइंट इज वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुली अब आप बोलोगे कि मैम आप स्टिमुली शब्द का यूज कर रहे हो बट स्टिमुल होते क्या है ठीक है सो so, स्टिमली मतलब कि बच्चा उन चीजों से एक्साइट हो रहा है ठीक है उत्तेजना जिसको भी आप बोल सकते हो हिंदी में कि उसे बच्चा एक्साइट हो रहा है सीखने के लिए जैसे बच्चे को कुछ मिल गया बच्चे ने बोला वाह ये तो बहुत सुंदर है मैं तो इसे कुछ सीखूंगा जैसे अलग colors, अलग कलर्स अलग अलग शेप्स हो होगी बच्चे को अलग अलग डिफरेंट तरह की स्मेल आ रही है साउंड आ रहे हैं सो बच्चा उसमें एक्साइट हो जाता है उससे मिलते हैं उसको स्टिमुली और जितने स्टिमुली मिलेंगे इन्वायरमेंट से उतना बच्चा सीखेगा ठीक है उतनी ज़्यादा उसकी लर्निंग होगी सो दिस इज द पॉइंट नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेटस सो बच्चे की फैमिली का जितना अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस है उस बच्चे को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सीखने के लिए और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतनी बेटर ट्रेनिंग होगी और बेटर ट्रेनिंग होगी तो मतलब कि बच्चे की क्नेटिव डेवलपमेंट भी उतनी अच्छी होगी

सो so, ये सारे जो फैक्टर्स थे वो थे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अब बात करते हैं कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की ठीक है सो फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर इज हेरिडिटी सो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं सोशल हो गई कम्युनिटिव हो गई इमोशनल हो गई बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हेरिडिटी इज द इम्पोर्टेंट ठीक है सो हेरिडिटी किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जो हैरिटेज फैक्टर्स हेरिटेज ट्रेड्स वैसे ट्रेड्स होते हैं जो बच्चों को मिलते हैं उनके पेरेंट्स से आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो गुण जो बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलते हैं वो होते हैं हेरिडिटी ठीक है दैट आर हेरिडिटरी ट्रेड्स विच मींस कि बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सिमिलर होती है उनके पेरेंट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जितनी अच्छी पेरेंट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उतनी अच्छी बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंस कि बच्चे का जितना आई क्यू ज्यादा होगा आई क्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन जितना ज्यादा आई क्यू होगा उतनी ही बैटर कग्नेटिव डेवलपमेंट होगी और जितना लो आई क्यू होगा उतनी ही कम जो होगी वो कग्नेटिव डेवलपमेंट होगी सो so, इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑर्गन्स ठीक है सो so, पहले हमने बात की थी स्टिमुली की तो स्टिमुली को बच्चा सेंस कर पाता है उसकी सेंस ऑर्गन से बट अगर बच्चे की सेंस ऑर्गन ही डिफेक्टिव हुई तो so वो स्टिमुली को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा सो so, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो कग्नेटिव डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम आएगी सो so, जो डिफेक्टिव सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चे की सो so उसमें डिफेक्टिव स्टिमुली मिलते हैं और कग्नेटिव डेवलपमेंट जो होती है वो भी परफेक्ट नहीं होती है इसलिए जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी होना भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज मैचोरेशन ठीक है सो so, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है वो उतना इंट्रैक्ट कर पाता है अपने इन्वायमेंट से और जितना से इंटरेक्ट कर पाएगा बच्चा उतनी ही अच्छी उसकी क्रिएटिव डेवलपमेंट होगी सो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है बट मैंने आपको बताया कि आपको कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो इसमें से कुछ लाइंस बीच से उठाकर ठीक है सो so, यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको क्रिएटिव डेवलपमेंट प्याजे की थ्योरी करवा पाऊं इसमें ठीक है तो देखते हैं शाम तक उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी सो दैट सोल्व फॉर नाउ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर